पंछी में मेरे प्राण बसते हैं, दे दे मुझे तकलीफ मत दे, लगे तो जो सेवा चाहिए वो सेवा दे दूं, पर मुझे मेरी बंसी लौटा दे। हे ब्रजवासी नाथ उदासी, ना ना मैं तब तक ना दू जब तक मेरी गली आएगा नहीं। भगवान कहते हैं ब्रजवासी ब्रजमान दुलारी राधा, अब तू मुझे उदास मत कर, लगे तो मैं तेरा दास बन जाऊं पर मुझे उदास मत कर, और इतने में भी अगर तेरा मन नहीं भरता तो मेरे प्रभु ने भक्त के चरणों में अपने आप को नर से नारायण बनाने वाली स्थिति कह दी। आचार्य जी कन्हैया जी ने कहा ब्रज राती मत देव मुझे उदास मत कर, इस बंसी के मजा अगर कहती है ना हरी लू मैं तेरी चाकरी बोला दादा रे दही दारू मोरी बात रे ने कहा समझ में आया मुझसे ज्यादा प्यार शांति कहे मुझसे ज्यादा प्यार ये बांसी में है। आज भी तिवारी जी हो जाए गलती से पति देवता के पास एक से दूसरा मोबाइल आ जावे तेरे बिना ना रहो घर में एक मोबाइल से दो आ जावे घर में दिन में उसके साथ रात में उसके साथ। ऐसे ही ब्रज की गलियां कहती है बांसुरी नहीं है मेरी सवत है, यही हमें कन्हैया से दूर कर। लेकिन कन्हैया को बंसी क्यों प्रिय थे वहां सजाती से ना ना बंसरी के गुण से। बंसरी का पहला गुण है बिना बुलाए बोलती नहीं, बंसी बिना बुलाए बोलती नहीं और बोलती है तो मधुर बोलती है। और सीने में बहुत जख्म है लेकिन सामने वाले को जवाब बड़े प्रिय तरीके से देती है, इसे कहते हैं मंसरी। यही सब अगर आपके जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ब्रज में आनंद लिया है भगवान ने, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से व्यक्ति को भय होता है,
कंस कृष्ण की हत्या कराने के लिए तत्पर है और एक पर एक प्रयोग करता जा रहा है। अब कंस ने अतरहागतो दोष्ट मरिष्ट वृषभासुर महिमा प्रकुत्काय संपयन कुरदीक्षत। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान ब्रज में प्रवेश कर रहे थे वहां आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, जैसे होली में, वहां अरिष्टासुर आया है, कंस का भेजा हुआ। पशु के स्वरूप में आया है, बैल के स्वरूप में आया है, जिसके शरीर का वर्णन बड़ा ही भीमकाय है। कहते हैं, कल जहां बस्ती थी खुशियां, यहां जय मातम, वहां वक्त था लाया बहारे, वक्त है लाया फिगा। समय है, एक तरफ ब्रज में आनंद है तो दूसरी तरफ कंस ने अरिष्टासुर को भेज दिया। पत्न्यत काल तो गर्भ स्रवंति आत्म भयेन वे निर्विसंति घनाय च सकूत चलस संकय। सब डर गए हैं, जानवर तो इतने डर गए हैं कि स्थान छोड़कर भागते हुए चले जा रहे हैं। भगवान ने जाकर के उसके आगे से डंडा ठोक दिया। अब एक चीज बतावे आपको, दो आदमी लड़ाई करे नहीं, करते रहो जरूरी हो, एक पत्र ले लो आप, वहां पेपर उस पर लिखते रहो। अगर दो व्यक्ति झगड़ा करें जी, और जब तक बीच में रोकने वाला नहीं आवे तब तक गुस्सा नहीं आता। एक बार हमारे आश्रम में दो बाबा लड़ गए, इधर उधर छुड़ाने की बात करें, मैंने बोला लड़ जाने दो, जो कर पूरा हो जाए उसकी समाधि लगा दे, एक घंटे में दोनों अपने आप ठंडे हो गए। हाँ, कुछ लोगों को जी दिखाने की आदत होती है, ध्यान देना आप लोग। एक बार क्या हुआ, आगे कथा बड़ी रोचक रहेगी इसलिए हंसने के लिए आपको बता। एक बार क्या हुआ, एक बार हमारी बहन जी ने बड़ी सुंदर सी चूड़ी पहनी, हमारी बहन जी बड़ी सुंदर चूड़ी पहनी थी। अब नारी का स्वभाव या पुरुष का स्वभाव ऐसा है कि उसके वस्तु की जब तक कोई तारीफ ना कर दे तब तक पैसे वसूल नहीं होते, तब तक तो कुछ भी करने को तैयार थी। बनारसी साड़ी पहन के आवे और जब तक कोई उन्हें बहन साड़ी बहुत अच्छी लगती, ध्यान दे थोड़ा शांति रखो। तो बहन जी ने पहनी है चूड़ी, सुबह से घर में खाना बनाया, आचार्य जी घर में भोजन बनाना चालू किया, तब से वो ऐसे कर रही, झाड़कर ऐसे खन खन बजावे। दिन में किसी ने ये नहीं कहा, चूड़ी बजाने में मेरा ही बज गया। हाँ,
तो मैं ऐसे ऐसे चूड़ी बजावे दिखाने के लिए। अब किसी ने उसको ये कहा नहीं कि चूड़ी बड़ी अच्छी है। बोबो ने शाम को अपने घेर में ही आग लगा दी। लाली क्या करे, जब तक तारीफ ना हो घेर में आग लगा दिया जी। घेर में आग लगा दिया, ऐसे बड़े बुजुर्ग ताऊ चाचा आ गए पानी डाल रहे, तो बहन जी वहां भी, ए इधर पानी डाल, इधर इधर डाल, इधर ज्यादा चल रही, इधर डाल, ए बप्पू ए इधर डाल, इधर आग जल रहा है। इतने में एक हमारी माई जैसी थी बहन, घर में आग लगी तो कोई बात ना, पर तेरी चूड़ी बड़ी सुंदर दिखे। बोले माँ दिन में मिलती तो घेर न जलता मेरा। एक लड़की आई हमारे पास बलिया में, गुरुजी मेरा यहाँ से ट्रांसफर करवा दो। वहां के जो शिक्षा मंत्री हमारे शिष्य थे, तो मैंने कहा क्यों? कहे गुरुजी मेरे कपाट की साड़ी खत्म हो गई। तो तेरे कपाट की साड़ी खत्म हुई तो इसमें ट्रांसफर से क्या लेना देना भाई? कहना गुरुजी रोज नई पहन के जाऊं, इब अगर एक को दोबारा पहना ना तो लोग नू कहेंगे तो पुरानी पहना करे। दुनिया को दिखाना है या उस ठाकुर को दिखाना है? ऐसे ही अरिष्टासुर को जैसे ही कृष्ण ने चुनौती दी, वो और ही तीव्र और प्रखर हो गया, क्रोध में आ गया। भगवान ने अपने भक्तों के कष्ट को नहीं देखा और देखते देखते ही तमापतंतम सानिग्रह गयो पदा समाक्रम निपात्य भूत निस्पीडयामास यथार्दयंबरम कृत्वा विसारेन जघने सोपतत। भगवान कृष्ण ने देखते ही देखते तमापतंतम श्रृंगया उसके सींग को पकड़ लिया, और एक ही पल में देखते देखते भगवान ने उसको धरा की गोद में सुला दिया। आज तो अरिष्टासुर को मोक्ष दिया। अक्रूर जी और नंदराय बैठकर चर्चा करते हैं सत्संग की, अन्न का कण संत का रज मिले तो व्यर्थ चिंता व्यर्थ चर्चा नहीं करनी। राजन मनीषितम सम्यक तव सावधमार्जन सिद्धय सिद्धयो समम कुर्याद देवं विफल साध। अनेक चर्चाएं होती महाराज, आप इन लोगों के दुख को दूर करना चाहते हैं। माता पिता को लोग गर्व से कहते हैं आपके पुत्र ने बड़ा सुंदर कृत किया, मनोरथ बहुत तरीके से इच्छाओं को प्रबल करके सत्कर्म करने की इच्छा रखते हैं। इस तरीके से सुखदेव जी कहते हैं किएवामादिश्य चाक्रूरम मंत्रिराच विसज्जय प्रविवेश गृह कंस तथा क्रूर स्वामल। कंस का ये कहीं संकल्प बन चुका है कि मुझे कैसे कृष्ण को खत्म करना है। एक बार अगर कोई किसी को बुरा कह दे तो फिर उसे वो कभी अच्छा ना कहे, चाहे उसमें 100 गुण हो।
लेकिन मेरा ठाकुर अगर एक बार किसी को अच्छा कह दे तो दुनिया उसे बुरा करे उसका कोई मतलब नहीं। कंस एक ही संकल्प लिया है कि किसी भी तरीके से प्राण ले लेना। अब युक्ति बताते हैं ऐसा। अब मंत्रियों के साथ कंस ने पुनः केसी तुम कंस प्रहिता केसी और व्योमासुर। व्योम का शाब्दिक अर्थ किससे होता है? गगन से, आकाश से। दो ही प्रकार बाकी हैं, बाकी तो सब कर ही चुका है कंस। युक्ति बात केसी और व्योमासुर को भी भेजता है और भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े समय तक उनकी व्यवस्थाओं को देखा। वहां के बिहारी लाल ने उन दोनों का भी उद्धार किया। और जब आप हार जाते हैं सब कुछ करके तो क्या करते हैं? करीब आते हैं, साथ में रहते हैं, पास में बैठते हैं, अवसरवाद करते हैं और खीर में जहर मिलाकर पिला देते हैं। जब किसी की बात शत्रुता से नहीं बनती तो मित्रता से शत्रुता को अदा करता है। ये राजनीति का प्रथम अंग है। कंस ने हर तरीके से प्रयत्न करके देख लिया, हर जगह निरर्थक रहा उसका प्रयत्न, सफल नहीं हुआ। और उसके बाद मामा और भांजे का रिश्ता प्रबल हुआ। शत्रुता से जब कोई कार्य नहीं होता तब व्यक्ति मित्र बनकर शत्रुता को अंजाम देते हैं। कि बेदर्द जमाने में कोई बेदर्द जमाने में कोई अपना न होगा। बेदर्द जमाने में कोई अपना न होगा। बेदर्द जमाने में कोई अपना न होगा।